मेरा ना थोड़ा सा ना अभी पेट खराब हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि गोलियाँ ले लूँ आज। ये देखो भाई फिर से कुछ ले लिया इसने, दिखा तो दे भाग कर। अभी इसमें मिक्स करेगा तू? डायरेक्ट हमें बोल देना कि उधर चले जाओ, दो दिन में लगवा दूंगा मैं गाड़ी लंदन ही। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द मस्करे व्लॉग्स। आई होप सब बढ़िया हो यार, बढ़िया रहना। अरे तू कहाँ जा रहा है भाई? भाई बस चल रहे हैं, वैसे तो टाइटल देख के सब समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम भाई जा रहे हैं अमृतसर, और जाते जाते पहले तो हो गई बॉटल टूट गई, ठीक है। तो भाई आज है मेरा बर्थडे, तो भाई भाई हैप्पी बर्थडे सभी कमेंट में कह रहे हैं। थैंक यू भाई, और जिसने विश किया है, जिसने नहीं किया उसको भी थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई। कुछ बात हो रही होगी जो उन लोगों ने विश नहीं किया, पर चलो कोई नहीं, हम क्या मिट्टी का, हाँ हम तो घूमने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बैग सारे रेडी हो गए, पानी घर का पानी एज यू नो, पैसे बचाने मिलते हैं बाकी, और रास्ते मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो पहले हमारे चैनल को, मस्करे व्लॉग्स को, आगे बने रहो वीडियो में, बने रहो, मिलते हैं। तो सामान रख दो भाई, सामान ज्यादा है, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, रखते हैं। अच्छा रखो रखो रखो, लाओ जी पकड़ा दे, लाओ जी पकड़ा दे। मैं तो एक ही बैग टांग रखा है, वो सामान है इसमें, लाए बैग दे भाई। थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट करने में कच्ची है, क्योंकि यार रोड ट्रिप्स मारने की इतनी आदत है नहीं ना हमें, हम बस से जाने वाले हैं। हाँ बस से जाने वाले। ये रख दे, ओए ये वाला बैग वहाँ रख ले यार, आगे रख ले, ये इंपॉर्टेंट बैग है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली। हाँ जी, अब रास्ते में मिलते हैं मूर्थल, तो देखो रुकने का आप देखते हैं। ओके जी बने रहो, बस कोशिश पूरी। तो अपनी गाड़ी देख रहे हो रही है भाई फुल, ये देखो भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले टैंक फुल कराते हैं। हाँ भाई पहले टैंक फुल कराते हैं, और ये देखो भाई हम करा रहे हैं, जेब में पूरा कैश रखा है, आज तो बर्थडे है इसलिए यूपी से करा रहे हैं भाई। हाँ ये भी बात है भाई, नोट कर लो, यूपी में चल रहा अपना 96 है ना भैया, सस्ता ही है यहाँ पे तो। पहली जगह रुक चुके हैं, पहले तो यार देख लो ये वर्ल्ड फेमस रोड, सबको पता है भाई क्या रोड है, ये हमारे मूर्थल। और मूर्थल में हम कहाँ रुके हैं? गुलशन ढाबा, गुलशन ढाबा, वर्ल्ड फेमस गुलशन ढाबा। चलते चलते बात करते हैं, वर्ल्ड फेमस ढाबा भाई एक नंबर है। देखो बाकी से तो अच्छा लगता है मेरे को, सुखदेव वगैरह में बेमतलब ड्राइव करते करते ना वैसे बंदा थक जाता है, तो ये स्टॉप दिल्ली वालों के लिए बहुत सही बना रहे हैं इन्होंने, आगे पीछे के ना थोड़ा पीठ वीट के अलावा सब सीधा करना पड़ता है। बाकी भाई ढाबा तो हमारे हिसाब से ये बढ़िया, स्मार्ट तो यार मैं भी लग रहा हूँ, आगे बाल कटाए फूल मुंडे। तो भाई अगर मस्करों की मानो तो यही ढाबा हम सजेस्ट करेंगे। हाँ ये तो है, सुखदेव चले जाना, नहीं तो ये सुखदेव वही ओवर रेटेड से है। हाँ आओ चले अंदर एक बार, अंदर सुसु भी आ रही है यार, बहुत तेज सुसु आ रही है मेरे को, उसी के लिए तो उतरे खाना बन रहा है। थोड़े दिन सामान पैक करा लिया, एक प्लेट तो यार ये मैंने टिक्की ले लिया, एक इसमें माउंटेन ड्यू है, ये कॉफ़ी ले लिए, ये चाय और ये वो मैस क्या है, ये कॉफ़ी यही चल रहा है भाई यहाँ पे। चलते हैं आगे, अब खाना खाने कहाँ रुकेंगे देखते हैं यार, अपना अंबाला रुकेंगे या उससे पहले रुकेंगे देखते हैं, पूछते हैं भाई से, पूछते हैं फिर डिसाइड करते हैं। आ यार ये देखो पहली चीज, बीच हाईवे पे क्या मिला मेरे को, मेरे आगे चल रही है मस्टैंग, ये देखो इसने भाई ने स्विफ्ट में, ये वाले भाई ने स्विफ्ट में देखो मस्टैंग का लगा रखा है साइड, और फुल कॉन्फिडेंस में चल रहा है। हाँ वेलकम टू पंजाब, ये देखो दिखाई दे गया, अब तो दे गया होगा, ये देख लो फुल कॉन्फिडेंस में चल रहा है मेरे आगे। वीर जी आपा पहुंच गए हैं मयूर ढाबा, वो एक कहावत नहीं है, वैन इन रोम बी लाइक रोमन्स, तो वैन इन पंजाब स्पीक पंजाबी, मेरा तो ये रूट है। अंदर देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, और अंदर चल के बताते हैं, यहाँ पे भाई नॉन वेज भी मिलता है, तो पंजाबीज के लिए तो नॉन वेज इज़ लाइक हेवन है ना, तो बस चलते हैं। वो अपना फिर से वॉशरूम गया है, वो सामने से अपने गरुड़ा आ रहा है, चल अंदर चल के बताता हूँ मैं क्या सीन है। पीछे देख स्पा की लाइटें जल रही हैं, ऐसे लग रहा है स्पा में आ रहा। अरे वो गोलियाँ ले लेना जो बसों में सही होती है, बस बस में मम्मियाँ लेती थी हमारे लिए गोलियाँ, वो खाते उससे पाल आते हैं, हमने कहा छिक्के नाक के बाल उससे सड़ जाते हैं उन पादों से गंदे, हींग गोली अनारदाना ये सब है ना, ये भाई जो बस में ट्रेवल करते हैं उन्हें पता होगा। बाकी भाई ये बताओ कि मेरा ये बैग कैसा लग रहा है, सिद्धू मूसे वाला को इंस्पायर्ड है ये वाला बैग, ऐसे तेरा बैग है भाई, तेरा बैग है ये याद होगा तो मेरे को किसने गिफ्ट करा। ये कुछ बताना चाहता है फिर से, वैसे तो मैंने बता दिया लेकिन ये कह रहा है मैं फिर से एक बार कैमरा ऑन करके बता, बोल बोल अब जल्दी बोल। हाँ या बैग की बोलोगे आप, बोलिए पुदीना पराठा। अरे वो बोल यार काम की चीज़ बोल, ये
इस हाईवे पे ओनली ढाबा है, ओनली दो 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 तीन और होंगे यहाँ पे, नॉन वेज मिलता है और नहीं मिलता। मेरा ना थोड़ा सा ना अभी पेट खराब हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि गोलियाँ ले लूँ वहाँ से, और ये चाट मसाला देख के तो और अजीब लग रहा है, देखते हैं आगे। ये गर्मी और हम जा रहे हैं अंदर, अंदर वाली सीटिंग है, एसी हॉल है, कितना बढ़िया लग रहा है भाई अंदर। ये अपना मयूर ढाबा के अंदर वाली सीटिंग है, पूरा एसी है। हाँ, इसके हमने भाई एक्स्ट्रा दिए हैं, हम वीआईपी लोग हैं ना, तो इस चक्कर में भाई ये देखो टेबल सज चुका है, और सजने से पहले ही मैंने एक खा लिया है। बाकी अंडा ब्रेड आया अभी, हाँ ब्लॉग करना जरूरी है, एक बार तू खा के बता भाई। ये तो देख बहुत बढ़िया है, चाय भी ओके है। मैंने नहीं खाया था जैसे, ये तो ओके है ना, देख बहुत बढ़िया है। और 4 बजे का जो अपना जायका, व्हाट अबाउट द एग मैन? एग तो एज यूजुअल मैं फिर भी अपने गाइस के लिए खा के दिखाता हूं। तेरा उम्म आ गया ना, तो उम्म तो अच्छा ही है, बढ़िया ही है। ब्रेड ऑमलेट है, 4 बजे का बढ़िया। और इस पूरे हाईवे पे और कहाँ मिलता है पता? कहीं नहीं, सिर्फ यही हाईवे, और इसे हमने फोन करके खुलवाया। हाँ स्पेशल, ये देखो यार फुल बुक है यार अपना, ये देखो ओके करके ब्लॉगर आदमी। चलो गाइस चाय पीते हैं, चीयर्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप। देखो भाई फिर से कुछ ले लिया इसने, दिखा तो दे, भाग कर आया, स्टिंग ले ली देखो। ठीक है भाई बस कर यार, अब इसमें मिक्स करेगा तू? क्या मिक्स करूंगा भाई, मजाक कर रहा हूँ यार। रेडबुल की औकात नहीं है ना हमारी, तो स्टिंग ठीक है। कितने की बड़ी? ओनली 35। चलो बढ़िया, रेडबुल इज 115 भाई, बढ़िया हो रहा है। चलो भाई से मिलवाते हैं, बाकी भाई हमारे कैमरा शाह हैं, जो दूसरे वाले हैं कैमरा शाह हैं थोड़े से। तो भाई गुड मॉर्निंग है सारे भाइयों को यार, जलंधर का बाईपास देख लो भाई, जलंधर पहुंच गए हम, सुबह हो गई है, अपना बज रहे हैं यहाँ पे 6, और देखो भाई पूरे सूरज मामा निकल आए हैं बढ़िया से, और इस बंदे को देख लो भाई। आलसी जो ट्रिप पे वो एक होते नहीं कि जो बीटी देते हैं यार, भाई नींद आ रही है, भाई आलस आ रहा है, पीछे जाके सो जाते हैं, ये वो भाई उनमें से भाई, ये बंदा 3-4 बार सो लिया, बीच बीच में इसे उठाया था, लेकिन नहीं कोई सवाल ही नहीं उठने का, बट चलो कोई नहीं, हम यहाँ बीच में पहुँच गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं यार, फन करते हुए आ रहे हैं, गाने वाने आराम से बूस करते हुए, सिद्धू मूसे वाला भाई के गाने सुनते हुए आ रहे हैं, और काफ़ी मज़े आ रहे हैं। अभी यहाँ बीच में होटल स्टेला करके है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉशरूम वाला ब्रेक लिया था, तो बस बाकी आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। भाई देखो एक और स्टॉप ले लेते हैं आपको, इतने रुके ने, और भाई ये जो अपनी रोड है ना जलंधर से डायरेक्ट अमृतसर जा रही है, ये भाई डायरेक्ट जाती है अटारी भी, ठीक है, वाघा बॉर्डर जिसे आप लोग जानते होंगे, वाघा तो पाकिस्तान की तरफ है, अटारी जो है वो अपना इंडिया की तरफ जो वो बॉर्डर है, और भाई ये रोड सीधा अभी मेरे को पता लगी कि ये रोड वहाँ भी जाती है करतारपुर साहिब। वाह भाई करतारपुर जाती है ये रोड, क्या बात है, मतलब उधर के जो पंजाब है वहाँ पर, बड़ा ही बढ़िया लगा। और ये उठ गया देखो, सो लिया 5-6 घंटे, और ये रोड पता है करतारपुर जाती है सीधा। यार बचा कितना है? और बचा अभी है? बचा है 1 घंटा बचा है, अभी भी 1 घंटा है। हाँ अभी भी 1 घंटा है, तू सो जा फिर से। दूर है यार, यार दूर तो है, लेकिन रुकते रुकते जाओ फिर क्या ही दूर। अब दोस्त यार वैसे जाते ना कि हम बातें बातें करते रहते, तब वो पता नहीं लगता, अब रुक रुक के चल रहे हैं। क्या पे अंदर यहाँ देखते हैं, पूछा अभी भाई गया पूछ, चाय भी नहीं। हाँ बाकी भाई ये रोड अपनी भाई जो आ रही है ना लुधियाना से, पूरा बाईपास जो आ रहा है अमृतसर जा रहा है, ये जाती है भाई करतारपुर, क्या बात है भाई। अगर ये डायरेक्ट हमें बोल देना कि उधर चले जाओ, कोई बॉर्डर की कोई रिस्ट्रिक्शन ना कुछ, फिर तो सीधा लंदन ही ले लेंगे ये गाड़ी, है ना, 2-3 दिन 4 दिन 2 दिन में पहुँचवा देंगे, हैं 2 दिन में लगवा दूंगा मैं गाड़ी लंदन ही, बिना वीज़ा बिना उसके भाई, अगर रिस्ट्रिक्शन ये सारी ख़त्म हो जाए मज़े आ जाएंगे कितने। बट चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं कुछ चाय वाय पीते हैं, चाय ब्रेक ले रखे, और इसके बाद अब सीधा अमृतसर आपको मैं दिखाऊंगा भाई, बहुत वेट कराया है अमृतसर, अब आपको पक्का दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइज एट लास्ट देखो भाई हम एंट्री करने वाले हैं अमृतसर में, तो भाई फाइनली इतना जो तुमने वेट करा, आप देखो भाई
ये मेन अपना गेट है जहाँ से भाई स्टार्ट हो जाता है अपना अम्बरसर, तो इससे एंटर करते हैं, फिर आगे आप लोगों को मिलते हैं, बताते हैं कहाँ स्टे कर रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं, वो आगे आपको मिलके बताते हैं। बाकी यहाँ से गेट एंट्री हो जाती है भाई, ये देखो कितना सही लग रहा है भाई। चलो तो गाइस पहली बार करवा दी हमने टंकी फुल भाई, मतलब दूसरी बार ही सब करवाई है जब हम पहुंच गए अमृतसर। अमृतसर पहुंच गए, देखो यार ये पूरा अपना सिस्टम है ओके करके सारा, और इसके बैक साइड की तरफ है होटल। अब जब नेक्स्ट वीडियो चालू होगी तब दिखाएंगे होटल, मतलब क्या होटल है। काफी लंबी हो गई है तो हम इसे यहाँ पे एंड कर देते हैं। हाँ अगली वीडियो होटल की पूरा आपको बढ़िया सा टूर वूर देते हैं, बहुत कैड़ा होगा, स्टे ट्यून्ड रहना उसके लिए। वीडियो नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी भाई और जल्दी जल्दी अभी जाएंगे होटल तो वहाँ का भी दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त करे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है अमृतसर की, और चल यार कुछ बताते नहीं, बाकी वीडियो देखेंगे। ओके ठीक है, बाय बाय।